हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए खुशबू रसोई की चैनल को और बेल आइकॉन को दबाएं डिलीशियस एंड टेस्टी रेसिपी सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल खुशबू रसोई की। दोस्तों, आज हम कच्चे आम और पुदीने की चटनी बनाएंगे, जो बहुत ही स्वादिष्ट और डाइजेशन चटनी होती है। तो आइए शुरू करते हैं इसे बनाना। यहाँ पर मैंने फ्रेश पुदीना लिया है, इसके मैंने पत्ते निकाल लिए हैं और मोटे डंठल जो होते हैं वो भी मैंने निकाल लिए हैं। इस पत्तों को मैंने अच्छी से 2-3 बार धो लिया है और साफ करके सुखा लिया है। अब मैं इसे मिक्सर में ग्राइंड करूंगी। मिक्सर में मैं यहाँ पे पुदीने के पत्ते डाल दूंगी और ये मैंने फ्रेश हरा धनिया लिया है, इसे भी मैंने अच्छी से धोकर साफ करके इसमें डाल दिया है। यहाँ पे मैं डालूंगी ये लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और ये मैंने कच्चे आम लिए हैं, इसका जो मैंने छिलका है वो निकाल लिया है और लंबे लंबे पीसेस में कट कर लिया है। इन सभी चीजों को हम मिक्सर में अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ पे ऊपर मैंने डाल दिया है नमक, नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालिए और हल्का सा मैं इसमें पानी डाल दूंगी। अब मैं इसे मिक्सर में ग्राइंड कर लूंगी। ये हमने मिक्सर में ग्राइंड कर ली है चटनी, ये देखिए ये बिल्कुल अच्छी तरीके से पीस ली गई है। अब मैं इसमें डाल दूंगी ये लेमन जूस। लेमन रस डाल देने से क्या होगा, चटनी का जो स्वाद है वो बना रहेगा और ये इसी तरीके से हरी भरी रहेगी चटनी। और इस चटनी को आप 1 हफ्ते तक यूज कर सकते हैं, एयर टाइट डब्बे में रख सकते हैं। तो ये जो हमारी कच्चे आम और पुदीने की चटनी है ये बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इसे आप कचौरी, समोसे, पकौड़े, डोसा, पराठा और मील के साथ में खा सकते हैं। तो जल्दी से आप मेरे इस वीडियो को नोट कर लीजिए और आप इस चटनी को बनाइए और खाइए और आपके एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कैसी बनी है ये चटनी। तब तक के लिए खुश रहिए और अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा और मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय, लव यू ऑल।